शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। पेट्रोल पंप के बाहर अवैध रूप से डीजल बेचने वाले टैंकर को पकड़ा गया है। एमआईडीसी के एक पेट्रोल पंप के सामने अवैध बायोडीजल की बिक्री करने वाले टैंकर को पकड़ा गया है। 1600 लीटर बायोडीजल भरा था। विदर्भ पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता के नजर में आईसी चौक स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने बायोडीजल बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इसकी सूचना संबंधित अधिकारी व तहसीलदार हिंगना को दी गई, लेकिन तहसीलदार ने कोई कार्रवाई नहीं की। टैंकर क्रमांक MH 31 FC 47 08 को MIDC पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं किया है तो टैंकर एसोसिएशन ने ही संभाला, जिसकी सूचना वैध मापन विभाग को दी गई। इंस्पेक्टर उमेश गौर ने घटनास्थल पर भेंट दी। गौर ने टैंकर के मालिक भवानी केदार प्रसाद शर्मा को बुलाया। वो कागजात मांगे गए, लेकिन कागजात में कुछ तफावत दिखाई देने से उन पर वैध मापन कानून के तहत कार्रवाई करने की जानकारी गौर ने दी। इस प्रकरण के संदर्भ में हिंगना तहसीलदार को एसोसिएशन के अमित गुप्ता ने जानकारी दी, लेकिन तहसीलदार संतोष खांडरे ने इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया व मौके पर नहीं पहुंचे, ना ही तहसील के किसी अधिकारी को भेजा। आखिर तहसीलदार ने कार्रवाई क्यों नहीं की है, यह सवाल भी उठ रहा है। नागपुर शहर के अंदर में बाउजर से इलीगल डीजल बेचने का कार्य जोरों पे चल रहा है। ये डीजल की गुणवत्ता और इसमें माप की कोई गारंटी नहीं है, और ये डीजल कहाँ से आ रहा है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये मिलावट का डीजल है और इसको बेचना से रोकना बहुत ज़रूरी है। ये पेट्रोल पंप के पास में खड़े रह के 5-7 रुपये लीटर कम में डीजल बेच रहे हैं, और इससे लोगों की जो गाड़ियाँ हैं उनके इंजन भी ख़राब होने का धोखा है। और ये इलीगल एक्टिविटी के वजह से ये एक प्रकार के रास्ते पे बॉम्ब है, और इसके साथ में दुर्घटना में कभी भी जान माल का धोखा हो सकता है। और हमने माननीय DSO साहब को भी इसकी कंप्लेंट करी, पर अभी तक का तहसीलदार या कोई भी आके इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे है, और हमारी सबसे विनंती है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई कर लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। धन्यवाद। आज दिनांक मुझे 21/5/2020 को विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता इनके और इनके पदाधिकारी लोगों की कंप्लेंट मिली कि इलेक्ट्रॉनिक जोन IC चौक में एक ब्राउजर जो कि पेट्रोल बायोडीजल की बिक्री इलीगल तरीके से कर रहा है। इस संदर्भ में मुझे जैसे ही तकरार प्राप्त हुई, मैं तुरंत वहाँ पे 10-15 मिनट पे पहुँच के मैंने सदर टैंकर के जो मालक है भवानी केदार प्रसाद शर्मा, इनसे आगे की पूछताछ के लिए डॉक्यूमेंट्स और इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो उस समय उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे जो कागजात दिखाया है वो देख के ये समझ में आया कि ये जो टैंकर नंबर है MH 31 FC 4307, ये KB फ्यूल्स के नाम से श्री भवानी केदार प्रसाद शर्मा ये चला रहे हैं, और इसको वैधमापन शास्त्र विभाग की तरफ से जो कैलिब्रेशन करवाना चाहिए, कैलिब्रेशन करवाने के बाद ही उसका आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिना कैलिब्रेशन करवाए इसको यूज़ करते पाया गया, तो इसी हिसाब से मैंने वैधमापन शास्त्र कायदा 2009 और उसके कलम के अंतर्गत कार्रवाई की है, और उसके बाद आगे की तहकीकात जारी है। इन 20 न्यूज़ के लिए हिंगना MIDC से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।